نسألك يا من هو الله الذي لا कार किसकी अच्छी है? अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज का व्लॉग मैंने ऐसे ही शाम से स्टार्ट कर दिया था, मुझे लगा कि चले यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आज की रूटीन जो भी शेयर करूँगी, सबसे पहले कहती हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए और व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। आज की व्लॉग की जो है वो गुड न्यूज़ ये थी कि बहुत अच्छी सी कार लेकर आए थे इनके बाबा, जो कि ले ली गई थी, लेकिन पता नहीं अब रखेंगे नहीं रखेंगे, सेल आउट करेंगे। काम कर रहे दो, क्या है, क्या कह रहे हो? मामा को काम करने दो, क्या चाहिए? उनकी ना ज़िदें यहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो उरहान मुझे हमेशा जो है वो किसी ना किसी एक चीज़ के इस तरह से ज़िद कर रहे होते हैं। तो अब इन्होंने जो है ना एक नया स्टाइल सीखा था मुझे अपनी बात मनवाने का। क्या चाहिए, क्या है उसमें? पॉइंट्स? पैसा ही पैसा होगा। मनी बॉक्स? वो फैलाओगे? क्यों फैलाओगे, घर फैल जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सो के सो के। अच्छा मुझे मोबाइल में काम करना है तो फिर देती हूँ। अच्छा बाबा कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, कहाँ कहाँ गए? ताता चले गए? अच्छा कहाँ बैठ रहे हो? अरे चीज़ें क्यों फैलाते हो, कहाँ बैठ रहे हो, ऊपर चढ़ के बैठ रहे हो? नहीं 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 नहीं। पर मैं आप लोगों को बस यही बता रही थी कि बस अचानक से प्रोग्राम बना के चलो कार लेकर आ रहा हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ और बच्चों को भी रेडी कर लो। तो साथ ही हम जो है वो यहाँ पर बैग वैग रेडी करके जल्दी से निकल गई थी मैं। और सबसे पहले जो है वो अब्बू को छोड़ना था घर, क्योंकि जो है वो कार ये इनके पास थी, तो उन्होंने कहा मैं पहले अब्बू को जो है वो छोड़ दूँ आराम से कार में, फिर जो है वो आराम से तुम बैठ जाना। और बच्चे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे थे कार को देख के, क्योंकि ये जो है वो इस तरह से कार जो थी वो बड़ी थी साइज़ में, और लाइक जो है वो बच्चों ने समझ लीजिए पहली दफ़ा ही ऐसी बड़ी सारी कार देखी थी। तो यहाँ पर हम सब चीज़ वगैरह लेकर और उसी तरह से जो है वो इम्तियाज़ की तरफ जो है वो जाने के लिए रवाना हो गए थे। बच्चों के साथ जो है ना वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों की इस तरीके की कार वाली रूटीन में जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाती है और मज़ा आता है जाने में आने में। तो इन लोगों को जो है वो ये था कि आज भी जो है वो इसी तरह से जो है वो घूमने को मिल जाएगा थोड़ा सा। तो ये मेरा जो है ना उसके अगले दिन शाम का व्लॉग है, मेरा उसी दिन का व्लॉग नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है ना मैं व्लॉगिंग रोक देती हूँ और फिर ये होता है कि मैं मतलब इस टाइम पे व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इस टाइम पे स्टार्ट नहीं कर रही, तो कुछ इस तरह से कुछ बनता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं वैसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। पीछे उरहान अरशमान को इस तरह से बिठा दिया था और उरहान को अपने साथ इसी तरह से हमेशा से ये लेके जाते हैं, तो ये पीछे बैठना ना सीख नहीं रहे इनको, ये होता है कि बाबा के अंदर चिपक के बैठ कर ही जाना होता है इनको हमेशा। इनके बाबा इनकी बहुत ज़्यादा रूटीन बनाने की ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं कि जो है ना इनको पीछे बिठा कर ही लेके जाएं, क्योंकि जब शुरू में अरशमान भी मेरे साथ था ना तो अरशमान की भी रूटीन ऐसी नहीं बनती थी, वो चाहते थे कि आगे बैठें, क्योंकि ये होता है कि बच्चों को ये होता है कि अपनी जो है ना वो मम्मी के साथ अम्मा के साथ सुकून मिल रहा होता है, लेकिन इनके बाबा ने कहा नहीं, इसकी आदत पीछे की बनाओ।
के आगे भी ये चीज़ ये यही चीज़ कन्वे करे, और पीछे से कार हमारी देखें कुछ इस तरीके से लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर पड़ दिएगा। और ये पेट्रोल भरवाने जो है वो रुके थे। अच्छा, आजकल ऐसी चीज़ें बड़ी चीज़ें लो ना तो फिर इनकी जो है वो कह लीजिए कि इनकी ट्रीटमेंट, इनकी जो है वो केयर करना भी बड़ा ही हो जाता है। तो बस ये है कि देखते हैं कि आगे ये सेल कर देते हैं कार को या नहीं करते। तो फिर यहाँ पर जो है वो पार्किंग हमें मिल गई थी इम्तियाज़ में। तो आज है ना हम कार में आए तो वो ज़रा थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना बाकी को, मतलब इस तरह से कार में हम आए ना तो कहने लगा आज एक साथ मुश्किल हो गया बाइक ही सही थी, क्योंकि आदत ही हो जाती है कि हमें साथ ही जो है वो कार को खड़ा करना, पार्किंग करना और फिर बच्चों के साथ उस चीज़ को जो है वो अपने मतलब कैरी करना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कार वगैरह इनके पास है लेकिन थोड़ी ये जो है ना कार भी बड़ी थी, फिर बच्चे तंग करना, फिर आगे बैठना पीछे बैठना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इनके साथ ना। बाकी ये है कि फिर ये सही हो गए थे। बुरहान का जो है ना वो थोड़ा ज़िद का, जिस दिन दिन बन जाता है ना, जिस दिन दिन होता है ना ज़िद का, तो उस दिन हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कोई कोई एक दिन होता है जो बुरहान का जो है वो ज़िद का दिन हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अरशमान के साथ जो है वो थोड़ा बहुत समझा दो तो नहीं होता। अरशमान मेरे साथ लगे रहते हैं ज़िद करने, जैसे इनको आदत है कि ट्रॉली के अंदर बैठ के जाना है, तो बाबा ने नहीं बिठाया तो कहते हैं नहीं बाबा ने मुझे ट्रॉली में नहीं बिठाया, मुझे आप ट्रॉली में बिठाएं। तो बाबा को ये चीज़ नहीं पता कि इसको इस तरह से ही आदत है, ये अंदर भी बैठ जाते हैं तो मुझसे बार बार पूरे रास्ते ज़िद। और ना अरशमान का ये है वो घर में तंग नहीं करते, कार के अंदर बहुत तंग करते हैं। और रुहान का जो है वो उल्टा हिसाब है, वो घर में तंग कर लेता है, कार में थोड़ा सुन हो जाता है, बाबा के साथ बैठ जाता है। तो ये अरशमान का ना शुरू से है कि कार के अंदर जो है ना वो ज़्यादा इधर से उधर होना, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे ये करना है। तो यहाँ पर भी पूरे रास्ते मम्मा मुझे ट्रॉली के अंदर बिठा दें, बाबा ने नहीं बिठाया, मुझे आप कह दें बाबा से। तो जब तक इनको बाबा ने सुकून नहीं दे दिया, दोनों दफ़ा गए तो एक दफ़ा तो बाबा ने इनका कहा चलो मैं बिठा देता हूँ। अच्छा, मुझे कैमरा में ना आज थोड़ा बहुत मसला हो रहा था, तो जैसा तैसा मैंने जो है वो कैमरा होल्ड किया हुआ था। साथ ही जो है वो मैं आज कार्ड लेकर गई थी, तो कार्ड जो है ना इन्होंने कहा लाजमी याद रखना, आज मुझे कार्ड दे देना। इम्तियाज़ का हमने कार्ड पहली दफ़ा में ही बनवा लिया था, तो इस कार्ड का ये होता है कि इसके अंदर जो है ना पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं और हम लोग जो है वो इसमें जो है कह लीजिए कि परसेंटेज हमारी आ जाती है जितनी भी हम शॉपिंग करते हैं, और इससे थोड़ा सा जो है वो परसेंटेज में फ़र्क आता है। तो ये हमारा शुरू का ही बना हुआ कार्ड है, तो जब भी होता है ना अगर मैं किसी वक्त भूल जाती हूँ तो फिर ये मुझसे कहते हैं कि अब याद रखना। और बैग जो है ना मैं पिछली दफ़ा लेकर नहीं आई थी, तो इस दफ़ा मैं लाजमी जो है वो बैग के अंदर मेरे पास ये कार्ड था, मैंने इनका जल्दी से इनको याद से दे दूँ, बिल करवा लिया था उसके बाद याद आया था। अब यहाँ पर वही सीन है, हम लोग जो है वो कम से कम ग्रॉसरी करेंगे और बस जितनी हो सकेगी उतनी ग्रॉसरी करेंगे और बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। और मैंने भी इनके साथ जो है ना इस चीज़ पे बिल्कुल कह लीजिए कि मिलाप कर लिया है कि हाँ जी ये जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जितना हो सकेगा उतना लेंगे, उसके अलावा जो है वो ज़्यादा इस तरह से जो है वो नहीं लेंगे सामान एक साथ सारा नहीं करेंगे ऐड नहीं करेंगे, तो इस तरह से जो है बर्डन भी कम रहेगा। और फिर वही हम लोग बाहर निकले तो थोड़ा सा जो है वो सुकून चाहिए था, लेकिन इस बार ये था कि हम यहाँ से जल्दी निकल गए थे, कोई बर्गर वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई, क्योंकि जो है वो बच्चों को चॉकलेट वगैरह दिलाती थी, इन्होंने कहा चलें कहीं बाहर से कुछ और खा लेते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं खाते। और तो फिर जो है ना मैंने कहा चलें चलते हैं कहीं और से कुछ देखेंगे, बर्गर वगैरह आज नहीं खाएंगे। तो इन साहब को लग गई थी भूख, तो फिर इनको जल्दी से जो है वो इल्ला लगाया ताकि ये थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। फिर यहाँ पर आन के रुके थे केबीज़ में ना, केबीज़ की आइसक्रीम आजकल जो है वो कह लीजिए कि हमें बहुत अरसे से पसंद है, लेकिन इनको आज दिल चाह रहा था तो इन्होंने आज जो है ना वो क्या किया, कहने लगे कि ना एक ही ले आता हूँ सब मिलके खा लेना। तो मैंने कहा नहीं अब तो हम कोई भी नहीं खा सकता, फिर मेरा जो है ना वो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, मैंने कहा मतलब ये तो बुरहान नहीं खानी है। तो खैर वो बहरहाल वो उन्होंने जो भी किया बाद में ये था कि उन्होंने थोड़ी बहुत बचा के भाई को दे दी थी। ये होता है कि साथ ना वो बहुत बड़ी आ जाती है, नहीं खाई जाती इन लोगों से, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल चीज़ नहीं बचाते और हैरान कर देते हैं, और अक्सर बेशतर एक में भी बिल्कुल बच रही होती है। साथ साथ जो है वो यहाँ पर ये चने ले आए थे, ये हमारी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी। आज का मेरा ब्लॉग बस थोड़ा सा इसी तरह से रहेगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।